तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल एस के चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो फ़ोन के लिए FunTouch OS 10 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और बात क्या, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको जो FunTouch OS 10 है वो किन किन मोबाइलों को मिलेगा एंड कब तक मिलेगा, सारा कुछ आज की इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। यार वीडियो को स्किप मत करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर पाए। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर दें। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो लिस्ट है वो निकाल दी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लिस्ट है यहाँ पे आपको साफ साफ नजर लिखा हुआ मिल जाएगा। FunTouch OS 10 अपडेट लेवल और डिवाइस रिलीज डेट फीचर्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं FunTouch OS 10 का यहाँ पे लोगो देखने को मिल जाएगा। FunTouch OS 10 का लोगो जो है कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही बेहतर लग रहा है। देखें FunTouch OS 10 रिलीज डेटिंग लेवल डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं FunTouch OS की कुछ डिटेल्स लिखी गई है, फीचर्स वगैरह लिखे गए हैं और यहाँ पे चाइना वगैरह लोकेशंस वगैरह लिखे गए हैं। स्पेशल इवेंट इन चाइना इट ऑल्सो कमेंट नेक्स्ट, और यहाँ पे फ्लैगशिप स्मार्टफोन, काफ़ी सारी डिटेल्स दी गई हैं। लेकिन अभी आपको मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पे किस किस को मिलने वाला है फटाफट से। तो यार मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे ईस्ट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं वीवो हैज़ बिन टेस्टिंग द लॉन्च ऑफ द FunTouch OS। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो वीवो है वो अभी FunTouch OS है वो तैयार किया जा रहा है, काफ़ी जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे FunTouch OS 10 जो है देखने को मिल जाएगा और किन किन मोबाइलों में मिलेगा ये यहाँ पे साफ बता दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है वीवो FunTouch OS 10 सपोर्टेड डिवाइस रिलीज डेट। जी हाँ दोस्तों, कि जो जो डिवाइस सपोर्ट करेंगे उनकी रिलीज डेट यहाँ पे दे दी गई है। तो फर्स्ट जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है यहाँ पे फर्स्ट बैच में मिलने वाला है इन फरवरी, यानी कि फरवरी में आपको मिल जाएगा। जो फरवरी में कुछ लोगों को मिलेगा और उनके यहाँ पे नाम लिख दिए गए हैं फरवरी इन 2020, यानी कि अब जो फरवरी स्टार्ट होने वाली है इसी में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे लिखा गया है Vivo Nex 3 फ़ोन और Vivo X27 Pro और Vivo X27 8 GB प्लस 128 GB वेरेंट को, ठीक है। और यहाँ पे वीवो नेक्स को भी मिल जाएगा, वीवो नेक्स फिंगरप्रिंट को भी मिल जाएगा यहाँ पे। तो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे नाम दिए गए हैं, वीवो नेक्स अल्टीमेट एडिशन और Vivo S5, इनको सभी को मिलेगा फर्स्ट में। या दोस्तों फर्स्ट में आपको इन सभी को मिल जाएगा, यानी कि फरवरी के अंदर इनको मिल जाएगा FunTouch OS 10। और इसके बाद सेकंड ब्रांच में मिल जाएगा यहाँ पे Vivo Z5, Z5i, Z5X, Vivo S1 एंड Vivo S1 Pro। जी हाँ दोस्तों, S1 Pro और S1 भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, देखने उनके भी नाम यहाँ पे दे दिए गए हैं जिनको FunTouch OS मिल जाएगा। लेकिन ये जो मिल रहा है सेकंड बैच में मिलेगा, फरवरी में इनको नहीं मिलने वाला है। इसके बाद थर्ड बैच का भी नंबर है यहाँ पर, और थर्ड बैच में आपको यहाँ पे कुछ दिए गए हैं जो कि ये मैं आपको दिखा देता हूँ, Vivo X21S, Vivo X23 और Vivo X23 Symphony Edition और Vivo Z3, Z3i, Z3i Standard Edition, ठीक है। तो कुछ इस ये वाले जो हैं इन फ़ोनों को जो FunTouch OS मिल जाएगा। और फिलहाल Vivo V सीरीज में यहाँ पे वीवो ने FunTouch OS 10 के बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि मतलब कि ऐसी कोई डिटेल नहीं दी है यहाँ पे किसी ने भी कि वी सीरीज में FunTouch OS 10 मिलेगा उसमें। हाँ कुछ फ़ोन में Android 9 तो मिल गया, FunTouch OS 9.1 ज़रूर मिलेगा Vivo V सीरीज में, बट Android 9, 10 यहाँ पे नहीं मिलने वाला है फिलहाल जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन अगर आगे अगर कोई न्यूज़ आपको मुझे मिलती है तो आपको ज़रूर बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी। यहाँ पे नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे FunTouch OS 10 फीचर्स, तो यहाँ पे गाइस यहाँ पे फीचर्स वगैरह दिए दिए हैं, जो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ लाइट टाइप में मिलेगा और कुछ इस टाइप से आपको जो है कुछ इंटरफेस आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। फिलहाल मैं साफ अच्छे तरीके से आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा हूँ, फिर भी आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे अभी कुछ इस तरीके के फीचर्स मिलेंगे और यहाँ पे आपको साफ साफ सारी डिटेल्स लिखती गई है। और FunTouch OS 10 अपडेट फॉर वीवो, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है ब्रैंक शॉर्टकट सेंटर्स में काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस ऐड कर दिए जाए हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि FunTouch OS 10 अपडेट फॉर वीवो स्मार्टफोन अल्सो ब्रैंक शॉर्टकट फंक्शन। जी हाँ दोस्तों, शॉर्टकट फंक्शन आपको यहाँ ऐड कर दिए जाएंगे, जैसे कि स्कैनर, फॉन्ट स्टाइल, चिल्ड मोड, क्लोड सर्विस एंड इम्पोर्टेंट इम्प्रूव जो भी वर्स, और 5G सर्विस भी अगर
तो पहले से ये जो फ़ोन बताया 5G सपोर्ट ही है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वन क्लिक बैकअप और वन क्लिक बैकअप का और कुछ फीचर्स यहाँ पे ऑफर अप टू 5 GB ऑफ फ्री स्टोरेज, मतलब कि 5 GB तक स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगी। ऑफर दिया इनके इसके साथ में आपको फ्री स्पेस दे दी जाएगी अकॉर्डिंग, और उसके बाद डाउनलोड फ्रंट टच वेस्ट अकॉर्डिंग टू अबव टाइम फ्रेम वीवो विल स्टार्ट रोलिंग आउट द लेटेस्ट फ्रंट टच वेस्ट अपडेट टू डिवाइस वे OTA। जी हाँ दोस्तों, OTA के द्वारा आपको ये जो अपडेट है मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको आप सिस्टम सेटिंग्स में जाके चेक कर सकते हैं जो जो मैंने डिटेल्स आपको दी है वो, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक रैम रिसीव द फ्रेमवेयर। जी हाँ दोस्तों, फ्रेमवेयर से भी इंस्टॉल कर सकते हो अगर आप फ्लैश करना चाहते हो, फ्लैशिंग कर सकते हो। लेकिन ये सब जो है जो जो आपको डेट मिली है उसी के बाद ही ये सारी फाइलें रिलीज की जाएंगी, उससे पहले कोई भी फाइल रिलीज नहीं की जाएगी। यानी कि जो फ्रंट टच ओएस 10 है वो फरवरी से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और जिन जिन फ़ोन का मैंने नाम बताया उन्हीं को मिलने वाला है फिलहाल। अगर किसी और फ़ोन की किसी और कंपनी का फ़ोन है तो यार नीचे कमेंट जरूर कर देना, जिससे कि अगर उसके ऊपर कोई न्यूज़ मिलती है मुझे तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।